घबराहट होना, बेचैनी हो जाना और कहीं मन नहीं लगना या बहुत सारी शारीरिक तकलीफ होना, ये बीमारी लेके बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास में आते रहते हैं। तो उसके बारे में चलो आज बातचीत करता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक लड़का मेरे पास में अप्रॉक्सीमेटली 29-30 साल का उम्र होंगी उसकी आया, बोले डॉक्टर साहब मुझे है ना बहुत ही घबराहट हो रही है, छोटी छोटी बात के ऊपर मुझे घबराहट होती रहती है, दिल धड़कना चालू हो जाता है, फिर कभी हाथ कांपना चालू हो जाता है, पसीना आता है और ऐसा लगता है कि मतलब बेचैनी जैसी लगती है। कुछ तो भी मैं ऐसे सांस लेता हूँ, ऐसे डीप सांस लूँगा, घबराहट आती है और कुछ तो भी हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है, कुछ तो भी हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा या अटैक आएगा या ऐसा कुछ तो भी हो जाएगा या घर वालों को कुछ हो जाएगा। ये चालू तो ऐसा हुआ, मगर वो बोलता है आगे कि मुझे फिर पूरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है और गर्दन में और ये जो पूरा हिस्सा जो है यहाँ उसको दर्द हो रहा था, मतलब शोल्डर, ये कंधे से लेके वो कंधे तक पीछे का जो है यानी ट्रेपेजियस मसल एक्चुअली, ये पूरा का पूरा दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है और उसको एक्चुअली ट्रेपेजाइटिस हुआ है, एक्चुअली मतलब ये जो ट्रेपेजियस मसल है ना उसमें उसको सूजन आ गई। बोले मेरे को निगलने में बहुत बार तकलीफ हो जाती है। उसने बोला मुझे मैंने जो निवाला लिया है वो निवाला अटक जाएगा ऐसा उसको लग रहा था कि निवाला अटक जाएगा। फिर उसको लगता है कि भाई मैं बैठूंगा खाना खाने तो लोग मेरी तरफ देख रहे हैं क्या। फिर ये सब बीमारी जो हो रही है मतलब ये जो सब तकलीफ उसको हो रही है तो उसको अचानक विचार आ गया कि मैं चलने के समय यदि 10 कदम आगे चलूं और 10 कदम बराबर चलूं और रुक जाऊं तो ये विचार कम हो जाएंगे। तो उसने फिर 10 कदम आगे जाके रुकना चालू किया। फिर धीरे धीरे उसको ये मन में विचार आया कि बायां कदम डालूं पहले तो ये विचार खत्म हो जाएंगे, तो उसने बायां कदम डालना चालू कर दिया। फिर उसको ये विचार आने लगे इसके साथ साथ, मतलब ये विचार आ रहा और तकलीफ भी हो रही, नींद खत्म हो गई, फिर नींद एक बार होती नहीं है तो दिन भर फिर उबासी आ रही है, ऐसा लगता है कि बीमार है और फिर अलग 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 विचारों का जंजाल शुरू हो जाता है। फिर उसको लगने लगा कि मैं ऐसा कुछ तो भी कर लूँ कि वो मैंने कर लिया समझो हाथ धो लिया तो हो सकता है कि मेरे विचार कम हो जाएंगे, उसने हाथ धोना चालू कर लिया। फिर 3 बार हाथ धो लूँ तो मुझे विचार कम हो जाएंगे, तो उसने 3 बार हाथ धोना चालू कर लिया। कभी उसको ऐसा लगा कि मैं घर के अंदर जब जाता हूँ तो मैंने दाहिना पैर डाल के अंदर जाना चाहिए और मैंने तो कल बायां पैर डाल के अंदर आया तो मैंने बहुत बुरा काम किया और वो नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा उसको अलग अलग विचार कम करने के लिए फिर कृति करने के लिए चालू हो गई। अब उसको घबराहट हो रही, धड़कन हो रही, एंग्जाइटी के सिम्टम है, डर लग रहा है, मरने के विचार आ रहे हैं, वो तो है ही। फिर भूख कम है तो वजन कम होना चालू हो गया। उसने पूरा का पूरा मतलब 4-5 हॉस्पिटल के सब फाइल्स बताए, बोले मैं इतने सब जाके जगह जाके आया हूँ, सब तरह की जाँच करवा लिया, MRI ब्रेन का कर लिया, ट्रेडमिल कर लिया, एंजियोग्राफी कर लिया, ब्लड टेस्ट पूरी हो गई, एब्डोमेन का USG हो गया मतलब सोनोग्राफी हो गई एब्डोमेन की, कहीं भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। सब डॉक्टर बोलते हैं विचार करना छोड़ दो। अब डॉक्टरों का भी ऐसा हो गया कि वो ऐसा नहीं बोलते कि साइकेट्रिस्ट की तरफ जाओ, साइकोथेरेपी करो, वो भी ऐसा नहीं बोलते, हाँ विचार करना छोड़ दो, आप बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, ये दवाई ले लो, उसको दे देंगे अल्प्रेसोलाम, उससे कुछ होता नहीं है क्योंकि उसको एक्चुअली ज़रूरत है इलाज की, साइकोथेरेपी की, मेडिसिन की, और जो सही मात्रा में देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आपने भी देखे होंगे, आपके आसपास है, आपको भी ऐसा होता होगा, और ये एक्चुअली एंग्जाइटी न्यूरोसिस है और एंग्जाइटी न्यूरोसिस के साथ साथ फिर उसको डिप्रेशन आना चालू हो जाता है कि ये मैं इतना सब सफ़र कर रहा हूँ, ये कैसा होगा आगे चल के, मैं नौकरी में जो मेरी नौकरी चल रही है हो सकता है कि नौकरी वाला है तो प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, बिजनेस कर रहा है तो लगता है कि मैं बिजनेस में मेरा ख्याल नहीं है, अटेंशन नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, भुलक्कड़पन आया हुआ है, फिर डांट खानी पड़ती है बार बार बॉस की, घर वाले लोग बोलते हैं कि आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है, समझ में नहीं आता, तुम चीज़ें भूल जाते हो, मार्केट में जाते हो तो 4 में से 2 चीज़ लाएंगे, 2 भूल जाएंगे, सुबह उठते हैं तो फ्रेश लगते नहीं, फिर चिड़चिड़ापन आता है, फिर किसके ऊपर भी चिल्लाएंगे, कहीं पैसे घूम जाते हैं, चीज़ें भूल जाती है, तो ऐसे सब विचार उसको आ रहे हैं, तो इसके लिए इलाज करना जरूरी। एक्चुअली ये क्या है कि इसमें एक तो सबसे पहले फ़ायदा होने के लिए जब मेरे पास में ऐसा कोई आता है मैं देता हूँ दवाई, क्या होता है कि दवाई से पहले इसके सब सिम्टम्स कंट्रोल में आ जाते, उसको नींद आना चालू हो गई एक बार अच्छी, विचार थोड़े से कम हो गए, उसको रिलैक्स लगना चालू हो जाता है, और फिर मैं चालू करता हूँ उसके ऊपर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT का उपचार, काउंसिलिंग, हिप्नोथेरेपी, सब कंबाइन उपचार में चालू करता हूँ। इसमें क्या होता है कि उसको पहले हम सिखाते रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस और सेल्फ हिप्नोसिस, जब सेल्फ हिप्नोसिस करता हूँ, हिप्नोटिज्म, सम्मोहन उपचार, खुद बैठना है, रिलैक्स होना है, कम से कम 2 से 4 सेशन रोज करने के है, और वो करके
विजुलाइज करना है, अफर्मेशंस करना है, खुद को सजेशन देना है कि मैं एकदम रिलैक्स हूँ, सब सिचुएशन को मैं फेस कर रहा हूँ कॉन्फिडेंट के साथ, मैं फेस कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, मैं फेस कर रहा हूँ, सब मुझे अच्छा बोल रहे हैं, कुछ तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे एक्चुअली विजुलाइज करना है कि मैं वो सिचुएशन में हूँ और मैं बहुत अच्छी तरह सभी सिचुएशन को फेस कर रहा हूँ, मार्केट में जा रहा हूँ, सोसाइटी में जा रहा हूँ, ऑफिस में जा रहा हूँ, घर पे हूँ, सब तरह रिलैक्स हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसको बोलते रीवायरिंग या रीप्रोग्रामिंग योर ब्रेन बाय विजुअलाइजेशन इन हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी। उसके साथ साथ हम उसको सिखाते हैं कि भाई देख, ये जो विचार आ रहे हैं तो ये विचार जब जब आते हैं तो आप कुछ कृति करते हो, कृति करने से आपको अच्छा लगता है, अभी कृति करना बंद कर डालो, कुछ भी नहीं करना है। घबराहट के विचार आ गए, आप दौड़ते डॉक्टर के पास में जाते हो, देखो 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 मेरे को कार्डियोग्राम निकालो, क्या हो गया, देखो बीपी देखो, कुछ नहीं करने का, आपको मालूम है ना कुछ नहीं हुआ, जस्ट रिलैक्स। आप कृति करते हो कि मैं दाहिना पैर आगे डालूंगा तो मुझे विचार कम हो जाएंगे, या बायां पैर आगे डालूंगा तो विचार कम हो जाएंगे, या मैं हाथ धोऊंगा तो विचार, कुछ नहीं करना है। क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है वो ऐसा कुछ करने लगाता है और वो किया तो उसके बाद में अपने को अच्छा लगता है, कम्फर्ट जोन में चले जाते हो। तो ब्रेन को यदि अच्छा लगा वो कृति करने के बाद तो फिर ब्रेन क्या करेगा, दोबारा जब विचार आएंगे तो बोलेंगे वही कर क्योंकि उससे अच्छा लगता है, फिर वही करेंगे, हाथ धोएंगे फिर अच्छा लगता है, फिर तीसरे बार भी विचार आएगा ब्रेन बोलेगा कर लो भाई आपको अच्छा लग रहा है। तो यहाँ अभी वो कृति करनी नहीं है, विचार आ रहे आने दो, रिलैक्स, कृति नहीं करने की, कंपल्शन नहीं करने का है, विचार आ रहे ये सेकंड पार्ट हो गया। फिर तीसरा पार्ट है कि विचार मेरे विचार नहीं है, मैं नहीं विचार कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक विचार आ रहे हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड के विचार है, ये मेरा ब्रेन जो है वो ऑटो मोड पे चले गया है, तो वो उसको प्रेजेंट हो जाना। नेक्स्ट डिस्प्यूट करना अपने आप से, डिस्प्यूट मतलब वाद विवाद चर्चा, मैंने तो सब पूरी टेस्ट कर लिया है, जब पूरी टेस्ट कर लिया है सब रिपोर्ट नॉर्मल है तो जो तकलीफ हो रही है ये साइकोलॉजिकल है कि नहीं है, हाँ डेफिनेटली साइकोलॉजिकल है, जो उसको बेस ही नहीं है फिजिकल, तकलीफ फिजिकल है, ओरिजिन साइकोलॉजिकल है, तो अपने आप से डिस्प्यूट करना है कि सब रिपोर्ट इधर नॉर्मल है, तो ये जो मुझे तकलीफ हो रही है इसके लिए मैंने भागदौड़ करने का कारण नहीं है, जस्ट मुझे रिलैक्सेशन करना पड़ेगा और वो ठीक हो जाएगा। डिस्प्यूट अपने आप से ये भी करना है कि ये विचार कम करने के लिए मैं जो कृति करता हूँ तो क्या कृति करने से मेरे विचार कम होते, एक्चुअली नहीं होते ना, कृति करने से कोई विचार आ रहे या कृति नहीं करने से विचार कम हो जाएंगे या कृति करने से, ऐसा कुछ भी तो नहीं है, क्योंकि मैं तो सोता हूँ तब दाहिना पैर आगे जाता है, बायां पैर आगे जाता है, हाथ ऊपर नीचे होता है, कुछ भी तो होता है, फिर वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो मेरे बॉडी का कुछ हाथ धोना, नींद में थोड़ी हाथ धो रहा हूँ मैं, तो कुछ भी तो नहीं हो रहा है, तो फिर वहाँ तो मैं ठीक हूँ रिलैक्स हूँ, वो तो विचार आ ही रहे तभी, तो ये हाथ धोना, पैर आगे डालना, भगवान को नमस्कार 5 बार करना, या किसके तरफ देखना, या किसी को जाके पूछना, या स्नान ज़्यादा करना, तो ये कुछ उसको बेस नहीं है, ये कंपल्शन है और ये कंपल्शन करने से कुछ होता नहीं है, ऐसा डिस्प्यूट अपने आप से करना है। तो जब आप अपने आप से डिस्प्यूट करोगे, रिलैक्सेशन करोगे, सेल्फ हिप्नोसिस करेंगे, वो कृति करने से अपने आप को रोकेंगे, ये प्रेजेंट हो जाएंगे कि नहीं नहीं ये मेरा ऑटोमेटिसिटी है, ये सबकॉन्शियस माइंड ऑटो मोड पे चले गया है, ये विचार मेरा नहीं है, वो मैं नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, वो विचार अलग है, विचार पैदा करने वाला अलग है, उसको मैं देखूंगा कैसे विचार आ रहे हैं, मैं नहीं हूँ, ऐसा सब कॉम्बिनेशन जो है वो हम करते हैं हमारे क्लिनिक में और लोगों का उपचार करते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हिप्नोथेरेपी के हमारे काफ़ी सेशंस होते रहते हैं, आपको यदि ज्वाइन करना है तो आप हिप्नोथेरेपी के सेशन में ज्वाइन हो सकते हैं। ये जो उपचार मैंने अलग अलग आपको बताया, इसके साथ साथ मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल होता है। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर है, फिर बेंजोडाइजिपिन्स है, ये जो दवाइयाँ हैं ना ये बहुत कारगर इसमें साबित हो चुकी है। क्लोनेजिपाम भी बहुत अच्छा काम करती है, तो क्लोनेजिपाम है, फिर हम बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है तो प्रोप्रानोलॉल क्लोनेजिपाम कॉम्बिनेशन देंगे, प्रोप्रानोलॉल अल्प्रासोलाम कॉम्बिनेशन देंगे, एसिटालोपराम देंगे, फ्लॉक्सेटिन देंगे, फिर एसिटालोपराम क्लोनेजिपाम का कॉम्बिनेशन, मतलब ऐसा कुछ तो भी करेंगे कि जिसके वजह से पहले उसको ठीक लगेगा, तो वो कुछ दिन तक लगना जरूरी है, धीरे 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 आप बाकी का इलाज करेंगे तो दवाइयाँ बंद हो जाएगी। आपको अच्छा लगा तो लोगों को जरूर शेयर करो, बहुत लोगों को ये घबराहट के प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी न्यूरोसिस के प्रॉब्लम है, बहुत सफ़र कर रहे हैं और लोग हमारे पास में साइकेट्रिस्ट के पास में जाते नहीं है, उनको लगता है कि साइकेट्रिस्ट मतलब पागलों का डॉक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है, और बाकी डॉक्टर लोग हमारी तरफ रेफर करते नहीं है, नहीं विचार मत करो बस इतना ही बोल देते हैं, या नींद की गोली दे देंगे, तो उनको एक्चुअली आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है।
आप हमें ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्ट कर सकते हैं और सलाह मशवरा करके अपना लाइफ खुशी से जी सकते हैं। तो लोगों को ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आते जाएं। अब आपका ख्याल रखो, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।